ये जो एमपीज हैं ये क्या कह रहे थे? एमपीज तो सिर्फ इतना मांग रहे थे कि भाई 13 दिसंबर की जो घटना पार्लियामेंट में घटी, जहां नौजवान पार्लियामेंट के अंदर आ गए और आकर के जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, तो उस पर सरकार बयान दे। ये जो सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है इसको लेकर के सरकार बयान दे। तो बयान देने के बजाय सांसदों को निकाला जा रहा है, और वो भी कोई एक दो नहीं, एकदम पूरे होलसेल करीब करीब। तो सरकार ने तय कर लिया कि हमें विपक्ष मुक्त, शायद विपक्ष मुक्त उनको संसद चाहिए, और सड़क भी चाहिए, आंदोलन मुक्त सड़क चाहिए, और विपक्ष मुक्त उनको सरकार चाहिए, संसद चाहिए। तो हमें लगता है ये तो पूरे अंबेडकर के संविधान में जो संसदीय लोकतंत्र की कल्पना है, प्रणाली है, और जो पूरी व्यवस्था है उसके खिलाफ बिल्कुल जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया एक प्रस्ताव में कि संसदीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस समय निर्णायक आंदोलन पूरे देश में चाहिए मुद्दा है। और इसी के साथ साथ ईवीएम को लेकर के भी संशय रहा है, वो बढ़ गया है इन चुनाव के बाद, क्योंकि गांव-गांव से जो रिपोर्ट आ रही है, नीचे जो बूथ लेवल में लोगों ने वोट डाला और जो आंकड़े आ रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक प्रस्ताव ये पारित किया गया कि इलेक्शन कमीशन से मिल करके हम लोग बिल्कुल इस बात की मांग करेंगे कि 100%, समय थोड़ा लग सकता है एक दो दिन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो वीवीपैट की पूरी गिनती हो और वीवीपैट को ही एक तरह से सब्स्टिट्यूट बैलेट के रूप में अभी लिया जाए, और वो एक हाइब्रिड सिस्टम फिलहाल चले जब तक हम बैलेट की वापसी नहीं करते हैं देश में।